हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष एंड आज हमारे सामने है ऑल न्यू 2024 रेनो ट्राइवर। एंड ये है दोस्तों इसका नाइट एंड डे एडिशन, जो कि सिर्फ आपको सेकंड बेस वेरिएंट यानी RXL में देखने के लिए मिल जाता है। ये आपकी सबसे सस्ती और सबसे सेफेस्ट 7 सीटर कार है एंड ग्लोबल एनकैप टेस्ट में इसने 4 स्टार, एडल्ट में 3 स्टार, चाइल्ड सेफ्टी में हासिल किए हैं। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इसका कंप्लीट वॉक अराउंड एंड जानेंगे इसमें आपको क्या फीचर मिलते हैं नाइट एंड डे एडिशन में। सो पहले हम बात करेंगे एक शोरूम प्राइस की, तो 7 लाख रुपये करेक्ट इसका एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड पड़ती है आपको 7,90,000 या 8 लाख की आप मान के चल सकते हैं। सो 8 लाख खर्च करने के बाद दोस्तों आपको इसमें क्या फीचर मिलते हैं, कितनी आपको इसमें कंफर्ट देखने को मिलता है, यही सब कुछ हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना एंड इस कार से रिलेटेड बुकिंग, क्वारी, टेस्ट ड्राइव कुछ भी आपको करनी हो तो मैं शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो फ्रंट की बात करें तो ये देखिए आपके सामने फ्रंट है, क्या ही शानदार लगता है। बीच में आपको रेनो का लोगो देखने को मिलता है क्रोम के साथ। एंड ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल कंपनी ऑफर करती है, बहुत ही शानदार लगती है। लाइट सेटअप देख लीजिए, आपको प्रोजेक्टर में हैलोजन बेस्ड लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ है। नीचे आपको दोस्तों कोई भी फॉग लैंप DRLs वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते RXL वाले वेरियंट में। एंड यहाँ पर लोअर बम्पर जो आप कह सकते हैं लोअर लिप मैट ब्लैक फिनिश में 182mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रंट से तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एंड हल्की फुल्की दोस्तों की जाए थोड़ी सी बहुत कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि बहुत कम बजट में आती है। ये देखिए आपको सिंगल वॉशर एंड वाइपर आपको देखने को मिलते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग नहीं है, नॉर्मल से आपको वाइपर देखने को मिलते हैं। एंड कलर देखिए आपको ड्यूल टोन में देखने को मिलता है RXL वेरिएंट में। सो बात करते हैं अगर इसके टायर साइज़ की, तो आपको 14 इंच का टायर साइज़ एंड ये देखिए आपको व्हील के आपका डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलता है स्टील रिम के साथ, काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो देखिए 165/80 R14 का आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है, ट्यूबलेस रेडियल टायर है। एंड साइड फेंडर में आपको 10 इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक प्लस पॉइंट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, वो है दोस्तों इसके साइड मिरर, जो कि आपको आप ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश की जगह। एंड बस इसमें आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड नहीं मिलते एंड ना ही आपके रहेंगे ऑटो फोल्डेबल और ना ही आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, आपको हाथ के थ्रू उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्रोम हैंडल्स देख लीजिए, आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट है। एंड रूफ़ की बात करें तो कोई भी रूफ लिफ्ट नहीं है, बट आपको ग्लॉसी ब्लैक रूफ देखने को मिलती है। 7 फिन एंटीना आपको नहीं मिलता, नॉर्मल सा एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। तो कसम से बहुत ही अच्छी लग रही है इस ड्यूल टोन में, जो कि बिल्कुल नया कलर है, पर्ल वाइट टाइप का कलर है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे अगर इसके फ्यूल लीड की, तो दोस्तों वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट दी गई है एंड 40 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, रियर में देखिए आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, बट जो डिज़ाइन है दोस्तों इसके बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि अलॉयबल्स आपके लगा के दिए हैं कंपनी ने। सो दोस्तों ये कार आपको ऑफर की जाती है 2 एयरबैग के साथ एंड 2 स्पीकर आपको फ्रंट में सिर्फ देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये है इसकी बैक प्रोफाइल, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। देखिए कंप्लीट लुक्स आपके सामने कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। बीच में मिलेगा आपको रेनो का लोगो क्रोम के साथ। ड्राइवर की आपको ब्लैक कलर की बैजिंग देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड नंबर प्लेट की डेडिकेटेड पोजीशन है, कोई भी आपको कैमरा वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए ग्लास में आपको वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर आपको छोटा सा देखने को मिलता है। 7 पिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल सा एंटीना आपको मिल जाता है। टेल लैंप यूनिट प्योर हैलोजन बेस्ड आपको देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया अच्छी लगती है देखने में। सो इतना ही कुछ इसके बैक प्रोफाइल में। पार्किंग सेंसर की बात कर लें तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3 पार्किंग सेंसर। रिफ्लेक्टर आपको नीचे देखने को मिलते हैं, स्टेपनी व्हील भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि शायद आपको 14 इंचेस का यानी सेम आपको प्रोफाइल का स्टेपनी व्हील देखने को मिलता है। अब बूट की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है एंड ये है दोस्तों इसका बूट स्पेस, 84 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। अगर इसकी लास्ट रो भी खड़ी हुई है स्टैंड में तो आपको 84 लीटर का बूट स्पेस, अगर आप लास्ट रो को इसको फोल्ड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 650 लीटर का बूट स्पेस दोस्तों हो जाता है, जो कि बहुत ही मैसिव सा बूट स्पेस है। एंड ये है आपका 7 सीटर वेरिएंट। लास्ट सीट आप देख सकते हैं आपको 50-50 में स्प्लिट देखने को मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो देखिए आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलते हैं इसके डोर हैंडल्स। एंड डोर ट्रिम की बात करें तो वही आपको ड्यूल टोन का डोर ट्रिम देखने को मिलता है, ब्लैक एंड बेज कलर का, टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है। ये मैट ब्लैक फिनिश में दोस्तों, टोटल हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ आपको डोर ओपनर देखने को मिल जाता है, मिरर सेट करना है तो मैनुअली कर सकते हैं आप। एंड नीचे आपको देखिए स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, फ्रंट के 2 स्पीकर, पावर विंडो, कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
बस इतना ही मिलता है इसके डोर ट्रिम में। कुछ इस टाइप से आप इन्हें कर सकते हैं। रियर आपको नॉर्मली हाथ से करना पड़ेगा। एंड सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलती। बाकी जो सीट मिलती है वो आपको मिलेगी फैब्रिक के साथ, यानी इसमें आपको लेदरेट सीट नहीं मिलती नाइट एंड डे एडिशन में। बट सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल नहीं है। एंड सीट ड्यूअल टोन में आपको देखने को मिलती है। बाकी इस कार में आपको देखने को मिलते हैं 2 एयरबैग, TPM वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। यह इसका डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी बढ़िया लगता है। चलिए एक बार कार के अंदर चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यह है आपकी ऑल न्यू 2024 Renault Triber। एंड इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, नया मॉडल है कुछ इस टाइप से। सो बेस मॉडल है ऑलमोस्ट आपका। पहले हम बात करते हैं दोस्तों अगर स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ देखिए आपको राउंड शेप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी बढ़िया है। पहले चलो एक बार बंद करते हैं इसकी की को, है ना। सो यहाँ देखिए राउंड शेप है, बीच में आपको Renault का लोगो मिलता है, कोई भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, राउंड शेप है, लेदर रैप भी आपको नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं तो देखिए टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। लाइट्स के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल जो कि दोनों ऑटोमेटिक नहीं है। एंड यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए कुछ इस टाइप से ऑपरेट होता है, बहुत ही शानदार लगता है। RPM मीटर, फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ शो कर देगा, बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है टोटल। AC वेंट की प्लेसमेंट है एंड लाइट की थोड़ी कमी है। बीच में आपको देखिए कोई भी म्यूजिक सिस्टम या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। एंड अगर थोड़ा कंपनी देती तो और बेटर रहता, बट ठीक है कुछ कंपनी ने अच्छा सोचा होगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ का है, ठीक है। एंड यह है दोस्तों इसका मैनुअल AC, हजार्ड का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड यहाँ पर देख लीजिए गेट लॉक करने के लिए कुछ इस टाइप से आपको बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस मिलता है। बाकी ये देगा आपका 5-स्पीड गियर नॉब, ठीक है। एंड यहाँ 2 कप ग्लास होल्डर। यहाँ दोस्तों आप अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कूल कंपार्टमेंट एंड मैनुअल हैंडब्रेक देखने के लिए मिलता है। साथ ही सीट्स की बात करें, फैब्रिक अपहोस्ट्री के साथ है, काफ़ी अच्छी सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगता है। सो यहाँ पर बात करें, ये आपको देखिए नई चीज़ देखने को मिल रही है इधर, ये जो सराउंडिंग मिली है काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, इधर नहीं मिलती आपको, दोनों आपको साइड के AC वेंट्स में देखने को मिलती है। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से देखिए आपको क्रोम वर्क के साथ देखने के लिए मिल जाती है, है ना। लाइट्स की बात करें, वाइट लाइट है। रियर व्यू मिरर आपको मैनुअली एडजस्ट नहीं मिलेगा, फिक्स मिलेगा आपको। सनवाइजर की बात करें, वैनिटी मिरर नहीं है, इधर आपको वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता। एंड फिक्स्ड आपको ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इतना ही कुछ मिलता है दोस्तों उसके डैशबोर्ड में। एंड काफ़ी बढ़िया लगता है वैसे तो, ठीक ठाक ही है बेस मॉडल के हिसाब से तो, आपको काफ़ी बढ़िया एंड ड्यूअल टोन की आपको कार कंपनी ऑफर करती है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर डोर की। तो यहाँ देखिए आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ना मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक में। यह है इसका डोर ट्रिम, ड्यूअल टोन का आपको देखने को मिलता है, ब्लैक एंड बेज कलर, काफ़ी अच्छा लगता है। सो बात करते हैं, ये आपका टोटल मिलता है हार्ड प्लास्टिक के यूज़ में, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, टोटल हार्ड प्लास्टिक है। डोर ओपनर आपको यहाँ मिलता है। मिरर को दोस्तों आप विंडो रोल डाउन कर सकते हैं मैन्युअली। एंड नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलती, बोतल स्पेस प्लस चाइल्ड लॉक। सीट्स की बात करें, आपके सामने है ये आपकी मिडल रो है, कुछ इस टाइप से आपको इसका लेआउट देखने के लिए मिल जाता है। सो फिलहाल दोस्तों मैं भी गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ एंड मिडल रो पर बैठा हूँ। डैशबोर्ड का लेआउट है, ऊपर आपको कोई भी कैबिन लाइट्स वगैरह या कुछ भी देखने को नहीं मिलता, फिक्स आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। रियर AC वेंट की बात करें तो आपको साइड पिलर में कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाते हैं रियर AC वेंट। नी रूम काफ़ी बढ़िया है, सीट्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक सा देखने को मिलता है इस ड्राइवर में। एंड अगर हम सीट की बात करेंगे तो आपको दोस्तों 60-40 में स्प्लिट आपको सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट्स देखने को मिलती हैं, ये आपका एंटीना का हो गया। एंड आइसोफिक्स आपको सीट्स यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती दोस्तों। बाकी रियर की बात करें तो आप देख लीजिए आपके सामने रियर सीट, जिसका आपको लेआउट 50-50 में देखने को मिलता है। एंड यहाँ आप देखिए आपको आराम से 2 बच्चे आपके बैठ सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। थोड़ी लाइट बहुत कम है अंदर इसलिए, बाकी यहाँ पर आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो बैक में तो इतना ही कुछ है, यहाँ पर आपको देखिए ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड रियर में आपको AC वेंट भी देखने को मिल जाते हैं। सो बढ़िया है, बैक ग्लास भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलता है। सो बाहर देखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप सीट का पूरा लेआउट ले लीजिए। हाँ, बाकी पीछे बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। एंड मिडल रो की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है मिडल रो, एंड फ्रंट की तो बात ही अलग होती है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपको कम बजट में 7-सीटर कार कंपनी ऑफर करती है, बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में।
सो दोस्तों इस रेनॉल्ट ड्राइवर डे एंड नाइट एडिशन में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपका एनर्जी इंजन है, उसके नाम से जाना जाता है। एंड पावर फिगर की बात करें 71 bhp, 96 nm का टॉर्क ये आपको जनरेट करके देती है। 20 kmpl का एवरेज कंपनी इसमें क्लेम करती है। एंड ऑन हाईवे अगर बात करें तो मतलब जो डिटेल कस्टमर शेयर करता है वो 16-17 का एवरेज कस्टमर शेयर करता है। एंड बोनट पे देखिए आपको डैम्पिंग वगैरह देखने के लिए ज़रूर मिल जाती है। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ ऑल न्यू 2024 रेनॉल्ट ड्राइवर RXL सेकंड बेस्ट वेरिएंट में आपको नाइट एंड डे एडिशन देखने के लिए मिल जाता है। ये कार आपको दोस्तों ड्यूअल टोन में ऑफर की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बहुत ही शानदार लुक्स के साथ ये कार आपको ऑफर की जाती है। एक्सोरूम प्राइस पड़ता है दोस्तों उसका 7 लाख रुपये, ऑन रोड पड़ती है आपको 7,90,000 या 8 लाख रुपये करीब की। यह है आपकी सबसे सस्ती 7 सीटर कार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।